Chef, what you should. हर पल मनाओ केसरी त्योहार विमल बोलो जुबान केसरी। सरकार द्वारा अपनी विफलताओं के लिए अन्य राज्यों को दोषारोपण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा दिल्ली में 24 घंटे पानी सप्लाई करने का वादा अब तक तो एक छलावे के रूप में साबित हुआ है। मुझे बताया गया है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश लगातार अपने निर्धारित कोटे का पानी दिल्ली को सप्लाई कर रहे हैं। इसके बावजूद आज दिल्ली में पानी की भयंकर कमी की जो सबसे बड़ी वजह है वो यह है कि जो पानी प्रोड्यूस हो रहा है उसके 54% का कोई हिसाब ही नहीं। दुर्भाग्य की बात है कि जहां एक तरफ दिल्ली के अमीर इलाकों में औसतन प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 550 लीटर पानी सप्लाई किया जा रहा है, वहीं गांव और कच्ची बस्तियों में रोजाना औसतन मात्र 15 लीटर पानी प्रति व्यक्ति सप्लाई किया जाता है। कुछ दिनों से दिल्ली में पानी को लेकर दिल्ली सरकार का बेहद गैर जिम्मेदाराना रवैया देखने को मिल रहा है। आज दिल्ली में महिलाएं, बच्चे, बूढ़े और जवान अपनी जान जोखिम में डालकर एक बाल्टी पानी लेने के लिए टैंकरों के पीछे भागते दिखाई दे रहे हैं। देश की राजधानी में ऐसा हृदय विदारक दृश्य देखने को मिलेगा इसकी शायद कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन सरकार द्वारा अपनी विफलताओं के लिए अन्य राज्यों को दोषारोपण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा दिल्ली में 24 घंटे पानी सप्लाई करने का वादा अब तक तो एक छलावे के रूप में साबित हुआ है। मुझे बताया गया है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश लगातार अपने निर्धारित कोटे का पानी दिल्ली को सप्लाई कर रहे हैं। इसके बावजूद आज दिल्ली में पानी की भयंकर कमी की जो सबसे बड़ी वजह है वो यह है कि जो पानी प्रोड्यूस हो रहा है उसके 54% का कोई हिसाब ही नहीं है। 40% पानी सप्लाई के दौरान पुरानी और जर्जर पाइपलाइनों की वजह से बर्बाद हो जाता है। पिछले 10 सालों में दिल्ली सरकार द्वारा हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए, उसके बावजूद न तो पुरानी पाइपलाइंस का रिपेयर हो सका, न उन्हें बदला जा सका और न ही पर्याप्त पाइपलाइंस नई डाली गई। हद तो यह है कि इसी पानी को चोरी करके टैंकर माफिया द्वारा गरीब जनता को बेचा जाता है। यह कितने दुर्भाग्य की बात है कि जहां एक तरफ दिल्ली के अमीर इलाकों में औसतन प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 550 लीटर पानी सप्लाई किया जा रहा है, वहीं गांव और कच्ची बस्तियों में रोजाना औसतन मात्र 15 लीटर पानी प्रति व्यक्ति सप्लाई किया जाता है। मुझे बताया गया है कि आज के दिन भी वजीराबाद को छोड़कर दिल्ली के सारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स अपनी क्षमता से ज्यादा पानी का उत्पादन कर रहे हैं। वजीराबाद ट्रीटमेंट प्लांट इस वजह से पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि बराज का जो रिजर्वर है जहां हरियाणा से आया पानी जमा किया जाता है लगभग पूरी तरीके से सिल्टेड है। इसके कारण इस रिजर्वर की क्षमता जो 250 मिलियन गैलन हुआ करती थी वो अब घटकर मात्र 16 मिलियन गैलन रह गई। 2013 तक हर साल इसकी सफाई होती थी और गाद निकाला जाता था, लेकिन पिछले 10 सालों में एक बार भी इसकी सफाई नहीं कराई गई और हर साल पानी की कमी के लिए दूसरों पर दोष मढ़ा जा रहा है। इस मामले में मैंने स्वयं मुख्यमंत्री जी को पिछले साल पत्र भी लिखा था। मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है कि 10 साल के दौरान अपनी इनएफिशिएंसी, इनएक्शन और इनएबिलिटी को छुपाने के लिए दिल्ली सरकार की आदत बन गई है कि अपनी हर नाकामी के लिए दूसरों को दोष दें और मात्र सोशल मीडिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस और कोर्ट केसेस करके अपनी जिम्मेदारियों से बचते रहें और जनता को गुमराह करते रहें। मैं दिल्ली में पानी की यह कमी जो सिर्फ और सिर्फ सरकार के मिसमैनेजमेंट को मानता हूं। मिर्जा गालिब साहब ने 200 साल पहले जो एक शेर लिखा था मैं उसे दोहराना चाहूंगा। उम्र भर गालिब ये भूल करता रहा
उम्र भर गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। सर, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पंजाब में भी वाटर शॉर्टेज है, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज है और वहां पर भी लोग परेशान हैं, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, मुझे पंजाब के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर वहां पर भी बिजली और पानी की तकलीफें हैं और लोग परेशान हैं तो मैं समझता हूं कि शायद वहां पर भी दिल्ली मॉडल को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है।